भोपाल नगर निगम ने पीएफ राशि जमा नहीं की, जिस पर ईपीएफओ ने 21 करोड़ रुपए का जुर्माना नगर निगम पर लगाया है। इतनी बड़ी राशि के भ्रष्टाचार के सामने आते ही नगर निगम अध्यक्ष ने जांच कमेटी बनाई है। ईपीएफओ ने 21 करोड़ रुपए का नगर निगम पर जुर्माना क्या लगाया? नोटिस के बाद निगम में हंगामा बरपा हुआ है कि आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो कैसे गया। पहले आपको बता दें कि यह मामला कैसे सामने आया। दरअसल नगर निगम की बैठक में बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव ने निगम कर्मचारियों की पीएफ राशि जमा नहीं करने को लेकर अपनी ही परिषद के मेंबर को घेरा। फिर देवेंद्र भार्गव ने कहा कि पीएफ राशि जमा नहीं होने पर ईपीएफओ ने 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने एक ठेकेदार को 147 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान करने का सबूत देने की बात भी कही। इस पर मेंबर शुक्ला ने जवाब देते हुए कहा कि 147 करोड़ रुपए का कोई भुगतान नहीं हुआ है, सब भ्रमक है। भार्गव ने इस पर कहा कि यदि मेरा कथन गलत है तो मुझ पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। विपक्ष भी सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया, सभी अध्यक्ष की आसंदी के सामने आ गए। उन्होंने ईपीएफओ मामले को बड़ा भ्रष्टाचार बताया। वहीं दूसरी ओर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने इस मामले की जांच करने के आदेश दे दिए। जांच कमेटी ने नगर निगम आयुक्त, एक विपक्ष का व्यक्ति और एक पक्ष का व्यक्ति रखा जाएगा। देखिए, घोटाला तो मैं नहीं कहूंगा, पर ईपीएफ जो हमारी जमा होती कर्मचारियों की, 2016 से लेकर 2020 तक की ईपीएफ नगर निगम के द्वारा जमा नहीं की गई। 41 करोड़ रुपए ईपीएफ कुल थी और 41 करोड़ के एवज में 21 करोड़ रुपए पेनल्टी जमा की गई। ये अधिकारियों की सरासर गलती है कि वो पेनल्टी उनने जमा क्यों नहीं की। दोषी तो अधिकारी हैं। अगर नगर निगम की वित्तीय स्थिति का हवाला दे रहे हैं तो अगर 41 करोड़ की कुल राशि है, 41 करोड़ की कुल राशि में से 20 करोड़ 50 लाख रुपए तो कर्मचारियों ने जमा किए हैं। नियम ये होता है कि जो राशि जमा की जाती है उसमें 50% कर्मचारी देता है, तो कर्मचारी से तो आपने 20 करोड़ 50 लाख काट ली। अब आपको केवल 20 करोड़ 50 लाख देनी थी, तो 20 करोड़ 50 लाख आपने क्यों नहीं दी? 20 करोड़ 50 लाख के बदले आपने 21 करोड़ की पेनल्टी दे दी। सदन होता चर्चा के लिए, कोई अगर निगम हित में समय मांग करके अगर कोई जनप्रतिनिधि बात करना चाहता तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है कि ऐसे जनप्रतिनिधि निगम हित में उनको अवसर दिया जाए और कोई सजेशन देना, सुझाव देना कि निगम की वित्तीय स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है, निगम का कामकाज कैसे ठीक से और बेहतर हो सकता है। तो ऐसे सुझाव पर हमेशा सकारात्मक सोच के आधार पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए ऐसे जनप्रतिनिधियों को अवसर दिया जाता रहा है, पहले भी अभी भी। देखिए, ये सब जांच के विषय हैं। जब जांच समिति बना दी गई है तो जांच में सारे पक्ष आ जाएंगे। अगर उन जांच प्रतिवेदन में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लिखित में या मौखिक उत्तर दिए जा सकते हैं। अमूमन मैंने परिषद सचिव से भी पूछा कि महापौर अभी तक के सब लोकमत के विषय में अपना कथन देते आए हैं, तो सभी ने यही कहा कि अभी तक के सभी महापौरों ने इसमें कथन दिए हैं। महापौर जी का भी ये लिखित कथन कथन ही माना जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।